नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नाबालिग बच्चों के साथ अश्लील हरकत अंजाम देने वाले दो सीरियल रेपिस्ट के तुनिज पुलिस ने जारी किए पोस्टर। सीरियल रेपिस्ट को पकड़वाने में पुलिस को मदद करने वाले को दिया जाएगा उचित इनाम। मीरा भाईंदर वसे विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत नाला सुपारा के तुनिज पुलिस स्टेशन की हद में पिछले दिनों नाबालिग बच्चों के साथ अश्लील हरकत व उनका शारीरिक शोषण किए जाने जैसी शर्मसार कर देने वाली घटनाओं के बाद तुनिज पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए घटना के आरोपियों की तस्वीरें सार्वजनिक कर उन्हें पकड़वाने लोगों से आह्वान किया है। ज्ञात हो नाला सुपारा तुनिज पुलिस स्टेशन की हद में बीते महीनों में रहमतनगर व विजयनगर क्षेत्र में हुई अलग अलग घटनाओं में स्कूल जाने वाली कम उम्र की बच्चियों को रात के समय अंधेरे का फायदा उठाकर बीच सड़क में रोक एकांत में ले जाकर आरोपी द्वारा उनके साथ गलत हरकत अंजाम दी गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित बच्चियों के परिजनों ने तुनिज पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, जिसके बाद तुनिज पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगाले, जिसमें घटना के आरोपी की पहचान भी जाहिर हो गई। लेकिन दोनों घटना के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में अब तक नहीं आ पाए और ये आरोपी और किसी मासूम बच्ची को अपना शिकार न बना ले, इसीलिए तुनिज पुलिस ने दोनों आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करते हुए मीडिया के माध्यम से आम जनता में आह्वान किया है कि दोनों ही आरोपियों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करें। पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को पकड़वाने वालों को उचित इनाम भी दिए जाने की घोषणा की है। वीडियो में आगे सुनिए तुनिज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक का बयान। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। तुनिज पुलिस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये रहमतनगरला 5 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10:30 वाजता सुमारास एक 7 वर्षाची मुलगी रस्त्याने जात असताना एका विकृत इसमाने तिचा विनयभंग केला। तिने आरडाओरडा केला असल्या तो पळून गेलेला आहे। तसंच 15 नोव्हेंबरच्या रात्री विजयनगर परिसरामध्ये एक 9 वर्षाची मुलगी रस्त्याने चाललेली असताना अंधाराचा फायदा घेऊन तिथं सुद्धा एका दुसऱ्या विकृत इसमाने त्या मुलीचा विनयभंग केला आणि अंधाराचा फायदा घेऊन तो पळून गेला। पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून त्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज चालतानाचे पळतानाचे प्राप्त केलेले आहेत आणि त्याच्या आधारावर ते शोध घेण्याचा आतापर्यंत प्रयत्न केलेला आहे, परंतु दुर्दैवाने ते अजून मिळालेले नाहीत दोघे जण। पण जर ह्या विकृत लोकांवरती वेळीच आपण कारवाई करू शकलो नाही तर त्याचं म्हणजे आणखीन काही मुलींच म्हणजे धोक्यात येऊ शकतात। त्यामुळं तुरुंग पोलीस तर्फे सर्व प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया न्यूज चॅनेल्स यांना आव्हान करण्यात येतं की त्यांचे जे व्हिडिओ फुटेजेस आहेत ते व्हिडिओ फुटेजेस जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत त्यांचे फोटो पोहोचवा, जेणेकरून त्यांची ओळख पटवली जाईल। आणि जर त्या कोणी जर त्या लोकांना ओळखत असला तर त्यांनी मला किंवा आमचे जे डिटेक्शन ऑफिसर आहेत त्यांना किंवा आमचे क्राईम पी आहे यांच्याशी जर संपर्क साधला आणि त्या व्यक्तीची माहिती दिली तर पोलिसांतर्फे त्यांना योग्य ते बक्षीस दिलं जाईल, असं माझं सर्वसामान्य नागरिकांना आव्हान आहे। जेणेकरून असे विकृत जे लोक समाजविघातक लोक आहेत ते गजाआड जातील, एवढंच माझं सांगणं आहे। गुगल पे बार कोड को स्कॅन कर गुगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।